दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके कोई पैसे नहीं लगते। शुक्रिया। अलैकुम, मैं हूँ कौन? मोहम्मद नबी। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप भी कैसे लगाएं? आज मुल्तान में बहुत ही शदीद बारिश हो रही है, तो हमने कहा चलो आपको भी बता दें बारिश ही हो रही है और बारिश में क्या होता है मुल्तान में, वो भी आप हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे, खुद भी सैर करेंगे और साथ आपको भी सैर करेंगे बारिश में हम किस तरह रहते हैं। तो इसके अलावा भी जो कुछ होगा वो आपको दिखाएंगे बारिश के अंदर। तो काफ़ी प्यारा मौसम बना हुआ है, वो हम बाहर यहाँ निकल रहे हैं, किस तरह लोग सड़कों पे रहते हैं, क्या क्या करते हैं बारिश के अंदर, वो दिखाएंगे। अगर आपने देखना तो हमारे साथ रहिएगा। और क्या, और तो चलते हैं हम वीडियो के अंदर। ये वैसे बारिश का सीज़न चल रहा है, इसमें सीज़न में गन्ना वाले सीज़न में बारिशें काफ़ी आती हैं। इसमें ये भी फायदा होता है किसान लोगों को, किसी को मतलब पानी की बचत आ जाती है, किसी को नुकसान भी रहता है। जब एक फसल तैयार हो, बारिश है, उसके साथ हवा चले, तो वो गन्ना वाली फसल गिर जाती है, जिससे दाने वगैरह गिर जाते हैं, फसल की जो टोटल एवरेज होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इस तरह भी बारिशें न दे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अल्लाह ऐसी बारिशें न दे इस मौसम में, देर से ही कम दे, हवा वगैरह भी कम हो। अब तो काफ़ी सारी हवा चल रही है, वो भी हम दिखाएंगे। ये हम खड़े हैं लैब के अंदर, आप देख रहे होंगे भैया क्या 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 आप दिखा रहे हैं। ये है लैब, एनाटॉमी लैब है हमारे कॉलेज के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गन है। मैंने कहा आप देख रहे होंगे भाई पीछे क्या है, ये ऑर्गन वगैरह पड़े हैं। इसके अलावा अंदर सामान वगैरह पड़ा है। मैं लैब में ही काम कर रहा था तो अचानक दोस्त ने कहा चल यार बारिश का इंजॉय करते हैं, क्योंकि ठंडे मीठे मौसम चल रहे हैं, इतनी सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, जो हमें ज़्यादा नुकसान हो बारिश की वजह से और हमें नुकसान हो ना हो। ये बारिशों का सीज़न है तो इसमें यही लोग कहते हैं इसमें बारिश का ये फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है वैसे, अल्लाह से जो भी चीज़ है उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान हम लोगों को ऐसे फील होते हैं इसके अंदर नुकसान है। तो इसका ये नुकसान होता है किसान बेचारों को बेचारे खर्चा करते हैं, तो उनका फ़ायदा ये है। क्या फ़ायदा है, एक तो उनकी गंदम जो पानी पे आई हुई होती है उससे पानी बच जाता है, वो हम इलाक बनाएंगे गंदम कैसे होती है क्या होती है। तो इसके अलावा नुकसान ये होता है जब एक गंदम फसल, गंदम की फसल तैयार हुई खड़ी है तो उसके अंदर उसका दाना होता है, तो दाना एक चीज़ के ऊपर आ जाए तो वो फिर काफ़ी वज़न उठा के खड़ी रहती है। जब हवा वगैरह है बारिश है तो गिर जाती है, साफ जा रहा है जो एक बंदा गिर जाए उसको नुकसान ही होता है। जब बंदों को नुकसान होता है तो फसल क्या चीज़ है उसका भी नुकसान हो जाता है, बंदों की तो हड्डियाँ अल्लाह ना करे हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं, तो इस तरह फसल के भी दाने गिर के टूट जाते हैं, जिससे बेचारे किसानों को बहुत ही मसला होता है। जो अब बारिश चल रही है ये तो काफ़ी तेज़ी है, इसमें आप दुआ कीजिएगा फसल बच जाए। आप देखने वालों में से जिन जिन की फसलें अगर बच गई हैं तो वो कैंडली बताइएगा। शुक्रिया, चलते हैं। शुक्रिया मैं बहुत ज़्यादा ही कहता हूँ क्योंकि मैं अपने देखने वालों को कहता हूँ चलो शुक्रिया करता रहूँ, चलो हमें देखते तो हैं किसी माने। तो चलते हैं हम बारिश की तरफ। ये हम खड़े हैं कलमा चौक, ये सीधा फ्लाई ओवर जा रहा है जो आप देख रहे हैं, फ्लाई ओवर के नीचे हाई कोर्ट की तरफ रोड जा रहा है, मॉडल रोड है जिसको कहते हैं, लाहौर का मशहूर रोड है ये। लाहौर का मशहूर रोड तो नहीं है, लाहौर की तरह का है। इसमें सब कवानीन होते हैं लागू होते हैं, जो जो ट्रैफिक कवानीन होते हैं इसमें लागू करने पड़ते हैं, इसलिए इसको मॉडल रोड कहते हैं। किसी दिन भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ज़ोर से बारिश चल रही है, हमने जाना था कॉलेज तो इस वजह से अब सोच रहे हैं फ्लाई ओवर के नीचे ही खड़े हैं, इस वजह से बच्चे खड़े हैं, बाकी बारिश बिल्कुल तेज़ है, आपको कैमरे में सही नज़र नहीं आ रही होगी, पौधे वगैरह खड़े हैं। हम फ्लाई ओवर से जा रहे हैं निस्तर की जाने, ये तो आप देख रहे हैं कितनी तेज़ बारिश है, इसके अंदर हमारा कैमरा भी आपको नज़र आ गया था झलाट से, आप कितनी बारिश है, कैमरे के आगे बार बार पानी आ जाता था। तो ये हम जा रहे हैं आगे,
आप ये देख रहे होंगे कहीं से कि मोटरसाइकिल आपको कम ही नज़र आए होंगे क्योंकि बारिश ही इतनी है। हम सीधा जा रहे हैं ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल, सर्जिकल स्टोर, मुख्तलिफ बड़ी चीज़ें, ये भी हम इस तरह रोड का किसी दिन विज़िट करेंगे जब फिर पानी आ गया है। उसके अलावा आगे चलते जाएँ, ये रक्शे वाला है यार, रास्ता दे दे यार, पहले फुल बारिश है, कपड़े सारे गीले हुए हैं, तो ये रक्शे वालों ने भी बहुत तंग किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं सड़क पे भी देख रहे हैं आप कितना पानी नज़र आ रहा है। हम पहुंचने वाले हैं, बहुत ही करीब पहुंचने वाले हैं। ये निस्तर आ गया है, ये एम्बुलेंस वगैरह खड़ी है, फिर आके देखो एक और रक्शा आ गया है, धुंधलाहट सी इतनी यार, रास्ता दे दे भाई। ये निस्तर है, ये आप देख रहे हैं पानी है, पानी है हर जगह, कैमरे में इतना नज़र नहीं आ रहा जितना हमारे कपड़े गीले वगैरह हो गए हैं सब कुछ। तो ये एम्बुलेंस वगैरह है, कम ही रश नज़र आ रहा है। ये मेन गेट है निस्तर का, आपने देखा है कितना कम रश था क्योंकि बारिश थी, कोई बाहर निकलने को नहीं आ रहा, ये सब कुछ अंदर। हम जा रहे हैं, रक्शे चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं फिलहाल, तो फिर पानी आ गया मोबाइल पर। चलते हैं, हम पहुंचने वाले हैं अपने कॉलेज की तरफ, करीब ही पहुंच गए हैं कॉलेज के। ये इंटर आउट गेट है इस तरह का, ये देख रहे हैं पानी कितना खड़ा है। ये इस तरह 12वीं यूनिट है इस तरह के, बिल्कुल अपोजिट ही है। ये फिर मैं वही कह रहा हूँ आपको, किसी दिन विज़िट करवाएंगे निस्तर रोड का। तो अभी तो बारिश में जा रहे हैं कॉलेज की जाने, फिर पानी आ गया है, ये आप देख रहे हैं पौधे वगैरह खड़े हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें। ये बारिश के बाद के मनाजर हैं, आप देख रहे हैं अभी बादल चुपके हुए हैं, तो इसके बाद देखते हैं हमारे कॉलेज में बारिश ने क्या क्या काम किए हैं वो आपको हम दिखाएँगे। ये देखते हैं, ये मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ, ये सीढ़ियाँ ख़तरनाक हैं। दूसरी सीढ़ी वैसे है तो सही, वहाँ पर्दे का मसला होता है, इस वजह से हम काम ही यूज़ करते हैं। ये हमने स्पेशल बनाई थी, ये इस तरह बनाई थी, ज़्यादा लंबी बनाते तो एक दरवाज़ा था वो नहीं बना सके, तो इस वजह से जब उतरें या चढ़ें तो एहतियात हमें करनी पड़ती है। चलो ये था, हम गए उतर, ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा जो बारिश का पानी आया है, आप देख रहे हैं बारिश का पानी आप देख रहे हैं। ये हमारी मशीन है खड़ी है, सिंगल पांच मशीन है, ये भी काफ़ी गीली हो गई है, ये टैबलेट्स वगैरह बनाती हैं, तो अभी फ्री खड़ी है, हमने ये सोचा इसको सेल वगैरह कर दें। अगर किसी चीज़ किसी बंदे को ज़रूरत हो तो कमेंट में बताइएगा, आपको सस्ती में मिल जाएगी। अभी बारिश में ये नहाई खड़ी है, इसके कपड़े भी उतर गए हैं। ये देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं कॉलेज में, हमारे बॉस हैं जो उनकी, काफ़ी पानी आप देख रहे हैं, इधर से गुजरने का रास्ता भी नहीं है, तो इस रोड भी काफ़ी सारे ख़राब हुए हैं, वो रोड भी देखते हैं किस तरह ख़राब हुए हैं। और कॉलेज के अंदर दरख्त हैं वो भी मैं देखता हूँ, दरख्त में कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ। ये देखें एक दरख्त गिरा खड़ा है भाई जान, ये दरख्त बारिश के अंदर गिरा है, ये आप देख रहे हैं। हालांकि चारों तरफ दीवारें थीं, फिर भी इतनी हवा आई है जिससे गिर चुके हैं इसमें। ये बारिश का ये भी फायदा होता है, जो सब्ज़े होते हैं फूल वगैरह वो काफ़ी ग्रीन और प्यारे हो जाते हैं, वो भी हम आपको कॉलेज के अंदर दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, आप भी टेंटेन करें, हम भी टेंटेन करते हैं इस बारिश को। अब मैं जा रहा हूँ प्लाट के दूसरे प्लाट की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो यहाँ ये देखें पानी खड़ा है, अब हम देखते हैं ठंडे ठंडे दरख्त, छोटे छोटे दरख्त प्यारे प्यारे, ये आप देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। इस प्लाट में भी देखते हैं हमारा कुछ गिरा है यानी कि नुकसान वगैरह हुआ या नहीं हुआ दरख्त का। तो अभी फ़िलहाल इन प्यारे से पौधों को देखें, आप तो काफ़ी तेज़ बारिश आई है, ये देखो ये खंजूर के टहनी गिरी पड़ी है, ये इधर देखो घास के अंदर, चलो खैर इतना पानी आ गया,
ये खड्डे भी पड़ गए हैं, ये देखो खड्डा पड़ा पड़ा, पानी भी जमा है उसके अंदर। अब हम जाते हैं दूसरे प्लाट की जानब, वहाँ देखते हैं क्या क्या हुआ है। उस प्लाट में भी हमारा एक दरख्त गिरा पड़ा था, इसमें ये चीज़ें गिरी हैं, तो दूसरे में देखते हैं वहाँ भी फूल वगैरह हैं, वो फूल भी हम आपको दिखाएंगे। इधर देख रहे हैं आप काफ़ी सारा पानी जमा है, ये दीवार को सीम भी लग रहा है क्योंकि 3-4 दिनों से बारिशें चल रही हैं मुसलसल। तो हम जा रहे हैं अब दूसरी तरफ। ये आपने कभी नोट किया होगा, जब फसल करीब है तो बारिशें ज़्यादा आती हैं। अब पता नहीं किसान को इस चीज़ का फ़ायदा होता है या नहीं होता, जो हमें फील हुआ है, जो फ़ायदे और नुकसान हुए हमने बताए हैं। अगर कोई और जानता है इस बारिश में ये नुकसान फ़ायदे होते हैं तो वो आप भी हमें बताइएगा। ये आ गया दूसरा, ये फूल खड़े हैं बारिश के बाद, ये मनाजर हैं इस फूल के, ये छोटे छोटे हमने कागज में रखे हुए हैं। ये फूल है तो ये देख रहे हैं कीचड़ वगैरह है, तो काफ़ी सारे एक खूबसूरत माहौल है। अभी दरख्त से पानी वगैरह तो गिर रहा है, अभी बादल भी बने हुए हैं, अल्लाह खैर करे जी। आपने ये देखा है ब्लॉग बारिश से पहले के मंजर और बारिश के बाद क्या क्या हुआ है, वो सब कुछ आपने देख लिया है। मैं भी काफ़ी गीला हो चुका था, तो अब देख रहा ब्लैक ड्रेस से आपको फील नहीं हो रहा कितना गीला है या नहीं गीला, तो हमने आपको दिखाया है कि बारिश के बाद क्या क्या होता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, ऐसे ड्रॉप शायद फिर भी बारिश है, तो किसी दिन हम आपको ये आप शहर का पसंद नहीं आ दिखाया बारिश का, और किसी दिन हम देहात का भी दिखाएंगे गांव के अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था दोनों आप हम कवरेज करेंगे, व्लॉग अपने बनाएंगे शहर के अंदर भी और देहात के अंदर भी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अगर बुरी लगती है तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते। शुक्रिया।